आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर, लव लेबर लॉस्ट। ये एक कॉमेडी प्ले है शेक्सपियर का और इसका जो एक एंड है वो बड़ा उसमें एक हैप्पीनेस है। तो ये जो प्ले है व्यूअर्स, ये एक स्पेनिश स्टेट का जो है उसमें एक उसकी जो किंगडम है उसकी जो बात की गई है और उसमें जो है वो किंग ऑफ निवारे जो है इसका एक मेन करेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो करेक्टर्स हैं वो क्या हैं ताकि आपको जो ये प्ले है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें जो मेन करेक्टर है वो है स्पेन का जो किंग है, किंग ऑफ निवारे, वो उसमें सेंट्रल करेक्टर है। और दूसरी तरफ जो है इसमें एक प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है और इसी तरह से इसमें जो किंग है उसके तीन लॉर्ड्स हैं और उनके जो इसमें जो नाम है वो उसमें ब्रॉने है और दूसरा जो है उसमें लॉन्ग विले है और थर्ड जो है उसमें जो है वो टूमेन है। और दूसरी तरफ जो है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है और उसकी जो है तीन उसमें उसकी जो है वो फ्रेंड्स हैं, लेडीज हैं और उनके जो उसमें नेम्स आ रहे हैं रोजोलिना है उसमें और दूसरी जो है सेकंड जो है उसमें मारिया है और थर्ड जो है उसमें कैथरीन है। और सिमिलरली इसमें और जो करेक्टर्स हैं उसमें एक जो है वो इसमें जो करेक्टर आ जाता है वो है इसमें डॉन जो है डॉन आर्माडो, वो एक करेक्टर है इसमें। और उसके साथ उसमें एक स्कूल टीचर है जिसका नाम जो है वो होलोफर्नेस है और इस तरह से इसमें एक चर्च का जो प्रीस्ट है वो सर जो है वो उसमें नेथीलियस है। और इसी तरह से इसमें एक लेडी है जिसका नाम है उसमें जे क्वांटे जो है उसमें एक लेडी है। और इसी तरह से इसमें एक क्लाउन है और वो साथ साथ वो फार्मर भी है और इसमें जो है उसका जो नाम है वो है गोस्टर। तो अब जो है हम इसको व्यूअर्स जो है तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है इसमें जो किंग ऑफ निवारे है वो उसके जो तीन जो इसमें लॉर्ड्स हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं और उसमें एक डिसीजन लेते हैं और इसी तरह से वो जो किंग है उसमें एक रूल जो है वो पास करता है। उस पर रूल ये है कि ये चारों लोग जो हैं उसमें जो है किंग निवारे है और उसके जो तीन जो है इसके लॉर्ड हैं ये अपनी जो है वो फिलासफी के जो है उस नॉलेज को अपना बढ़ाएंगे और उस पर अपना फोकस करेंगे। और इसी तरह से ये जो है लेडीज के साथ जो है वो कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे और 3 साल तक जो है किसी भी लेडी के साथ ये बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से इनका ये एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने अपनी जो है वो स्टडी की तरफ जो है वो तवज्जो करनी है और उसी पे जो है अपने आप को जो है फोकस रखना है। और इसी दौरान जो है होता ये है कि ये इसमें जो है एक जो एक करेक्टर है उसमें डॉन आर्माडो जो एक स्पेनिश है वो एक कंप्लेन लेके आता है किंग ऑफ निवारो के पास। किंग ऑफ निवारो को ये बात करता है कि एक फार्मर है जिसका नाम जो कॉस्टर्ड है वो जो है एक मेड है जे क्वांटे से जो है वो पार्क में जो है वो उससे वो मिलता है, उससे अपनी मीटिंग करता है और उससे अपने लव का इजहार करता है और उसको लाइक करता है। तो इस तरह से वो किंग को ये बात करता है कि आपने ये जो रूल बनाया था उसकी जो एक वायलेशन है, ये इस्लाम का जो ये है कॉस्टर्ड वो इसको वायोलेट कर रहा है। जिस पर जो है वो किंग उसकी बात को सुनता है और फिर वो एक पनिशमेंट जो है उसको देता है कॉस्टर्ड को और उसको वो उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये आ जाती है कि जैसे ही वो जेल जाता है कॉस्टर्ड तो ये जो है इसमें जो डॉन आर्माडो जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है उसी लड़की में जे क्वांटे में और उससे उसकी जो है वो लव हो जाती है, उसको वो लाइक करता है
और इस तरह से जब वो उसको लव करता है तो वो अपना एक लव लेटर जो है वो लिखता है, उस लव लेटर को वो उस कॉस्टर्ड के पास जो है वो प्रिजन में लेके जाता है, उससे ये बात करता है कि तुम जो है मेरा ये लव लेटर जो है उस जेल क्वार्टर तक पहुंचा दो, तो इस तरह से मैं जो तुम्हारी इसमें जो पनिशमेंट है जेल की उसको मैं कम कर दूं और आपको जो है उसमें जो है वो आजादी मिल जाएगी। जिस पर जो है वो कॉस्टर्ड जो है इसमें विलिंग हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं आपका जो है ये काम कर दूंगा। तो इस तरह से जो वो एक इसमें प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है उसकी इसमें एंट्री होती है और वो स्पेन आ जाती है और उसके साथ जो है वो तीन उसकी जो है वो लेडीज भी उसके साथ होती हैं, जिसमें जो है वो रोजोलिना है, उसमें मारिया है और उसमें जो है वो जो थर्ड है वो उसमें कैथरीन है। तो इस तरह से जब ये स्पेन पहुंचती हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किंग ऑफ नेवारो से जो है वो मीटिंग करें, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि किंग ऑफ नेवारो ने एक रूल यहाँ पे पास किया हुआ है और वो लेडीज से जो है वो नहीं मिल सकते, तो जिस पर जो है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है वो इसमें अग्रेसिव हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और वो ये कहती है कि ये जो उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि हमने लेडीज से नहीं मिलना तो मैं इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और हम उसके इस रूल को स्टेट के रूल को जो है वो वायलेशन करेंगे। और सिमिलरली फिर जब वो किंग ऑफ नेवारो है जब उसको पता चलता है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है यहाँ पर जो है वो उसकी अराइवल हो गई है तो वो उसके रिगार्ड के लिए वो अपने पैलेस में तो उसको नहीं बुलाता लेकिन वो ये समझता है कि उसको रिगार्ड दिया जाए, तो इस तरह से वो उसको मिलने के लिए चला जाता है और साथ ही जो उसके ये लॉर्ड होते हैं तीनों लोग जो हैं ये भी उसके साथ होते हैं। जब ये वहाँ उससे मिलते हैं तो इन तीनों लोगों को जो उसके लॉर्ड्स हैं और ये जो किंग है इन चारों को जो है उनसे जो है वो लव हो जाती है और इसमें ऐसे होता है कि किंग जो है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को लाइक करता है, सर ब्राउने जो है वो रोजोलिना को लाइक करता है और इसी तरह से लॉन्ग विले जो है वो मारिया को लाइक करता है और इस तरह से गुमेन जो है वो उसमें कैथरीन को लाइक करता है और इस तरह से वो अपना जो है वहाँ पे एक लव का जो है वो इजहार करते हैं और इस तरह से वो वहाँ से फिर उसको मिलके आप वापस आ जाते हैं। तो इसी दौरान में जो ब्राउने है वो उसने रोजोलिना को जो है वो लाइक करता है, वो अपना एक लव लेटर जो है वो लिखता है और उस लव लेटर के लिए वो उसी जो है वो जो क्लाउन है उसमें कॉस्टर्ड उसको जो है वो मिलता है और उसे ये कहता है कि तुमने जो मेरा लव लेटर है वो जो है वो रोजोलिना तक पहुंचाना है, जिस पर जो है वो कॉस्टर्ड जो है वो विलिंग हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं आपका ये जो लव लेटर है ये मैं रोजोलिना तक पहुँचा दूंगा, लेकिन उसमें भी ऐसे होता है कि ये जो दोनों लव लेटर्स हैं उसमें एक डॉन अर्माडो का लव लेटर होता है और दूसरा जो है उसमें ब्राउने का लव लेटर होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो दोनों लेटर जो वो मिक्स अप हो जाते हैं और इस तरह से जो उसका जो लव लेटर है रोजोलिना का वो जो है वो जे कंटीना के पास चला जाता है और जे कंटीना को जो लव लेटर है वो रोजोलिना के पास चला जाता है और इस तरह से जब वो जे कंटीना जो है क्योंकि वो अनएजुकेटेड लेडी होती है और वो उसको पढ़ नहीं सकती तो वो उस लव लेटर को जो है वो प्रीस्ट के पास लेके जाती है, चर्च का जो प्रीस्ट होता है और उसका नाम जो है वो उसको उससे बात करती है और इस तरह से वो जो स्कूल टीचर है होलोफर्नेस वो उस लेटर को जब वो पढ़ता है तो उसको ये बताता है जे कंटीना को ये कहता है कि ये जो लेटर ये तो ब्राउनो ने जो है रोजोलिना को लिखा है और जिस पर वो ये बात भी करता है कि आप ये जो कंप्लेन है ये किंग अपने वारे को जाके करें उसको ये बताएं कि आपका ये जो लॉर्ड है ब्राउनी इसने जो है आपके स्टेट के जो रूल है उसको वायलेट किया है, तो इस तरह से वो जे कंटीना जो कहती है ठीक है मैं जो है उससे जो है वो बात जो है वो करती हूँ। तो इस तरह से कुछ वक्फे के बाद जो है उसमें जो ये किंग ऑफ नेवारो है वो उस प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है, जब वो उसको प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है तो उसके जो तीनों लॉर्ड हैं वो उसको देख लेते हैं और इसी तरह से वो छुप के उसको देखते हैं कि जो किंग ऑफ नेवारो है वो इस तरह से जो है वो प्रपोज कर रहा है,
तो इसके साथ साथ वो जो इसके लॉर्ड हैं तीनों, वो भी जो है वो प्रपोज करते हैं अपने जो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी जिनसे ये लव करते हैं वो भी जो है वो प्रपोज करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके बाद होता ये है कि वो जो किंग ऑफ निवारा है वो ओपनली जो है वो सामने आ जाता है और वो इन तीनों को कहता है अपने लॉर्ड को कि तुमने जो है मेरे रूल की जो है वायलेशन की है और तुमने एक्नॉलेज कर लिया कि तुम्हें जो है उनसे लव हो गई है। लेकिन साथ साथ वो जो तीनों उसके लॉर्ड हैं वो भी ये बात करते हैं किंग अपने वैर से, वो ये कहते हैं कि तुमने भी जो है वायोलेशन की है और तुमने भी जो है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से जो है वो लव किया है। इस तरह से फिर ये जो चारों जो अफराद हैं ये फिर इस बात पे जो है ये एक दूसरे के साथ जो है वो ये बात करते हैं कि ठीक है कि हमें जो है इनसे जो है वो लव हो गई है और साथ जो है वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो हमने फिलॉसफी पढ़ने के लिए जो है 3 साल का एग्रीमेंट किया था उससे जो है जो हमें लव हुई है ये लव वाला जो है ये लव जो है उस पढ़ाई से या उस स्टडी से जो है वो ज्यादा जो है वो अच्छी है। तो इस तरह से ये इन चारों की जो है वो एक ही जो है वो बात हो जाती है। और इसके बाद जो है फिर ये चारों जो अफराद हैं जो किंग है और उसके जो लॉर्ड हैं ये अपना एक गेटअप चेंज करके उस प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से जाके मिलते हैं और वो जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है उसको भी ये मालूम हो जाता है कि ये तीनों चारों जो है स्मार्ट हैं वो, और वो भी अपना जो है एक गेटअप जो है वो चेंज कर लेती है। तो इस तरह से ये आपस में जो है एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद फिर ये वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये किंग जो है अपने तीनों लॉर्ड के साथ एक रेयर पोजीशन में जो है उनसे जाके फिर ये मिलते हैं और फिर ये एक दूसरे को लाइक करते हैं। और उसमें वो जो किंग है वो इसमें जो है एक्नॉलेज करता है एक्सेप्ट करता है कि मुझे आपसे जो है वो लव हो गई है और इस तरह जो उसके तीनों जो लॉर्ड हैं किंग के वो भी जो है ये एक्नॉलेज करते हैं कि हमें जो है ना आपसे लव हो गई है। तो इसमें फिर ऐसे इसमें एक टर्न आता है कि एक जो मैसेंजर है वो फ्रांस से जो है वो आता है और वो ये मैसेज लेके आता है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से जो प्रिंसेस है वो बहुत जो है वो एक सैड हो जाती है और शी इज इन स्टेट ऑफ मॉर्निंग और वो ये बात करती है कि मैं जो है आप अपने इन तीनों जो मेरी ये साथ लेडीज हैं इनको मैं साथ लेके जा रही हूँ फ्रांस में और मैं इस वक्त जो है बहुत ही जिसमें जो है एक सैडनेस में हूँ। तो साथ साथ वो ये प्रॉमिस भी करती है कि हम मैं और मेरी जो तीनों जो मेरी साथी हैं हम एक साल एक दिन के बाद जो है वो फ्रांस से वापस जो है हम कम बैक करेंगे और हमारी जो है वो वापसी हो गई और इस तरह से एक साल एक दिन के बाद जो है फिर हम जो है आपसे जो है वो शादी करेंगी। तो इस तरह से ये गुड न्यूज जो है ये उनको देती हैं। तो इसमें व्यूज फिर ऐसे होता है कि ये जो प्ले है इसकी जो एक एंडिंग है बड़ी हैप्पीनेस होती है बड़ी प्लेजेंट होती है और इस तरह से जो है फिर ये उनके साथ जो है अपना वो प्रॉमिस कर लेती हैं। तो इस तरह से जो है इस प्ले का जो है वो एक प्लेजेंट जो है वो एंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।